पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। असीम वकार, ये जो बुकलेट अब बीजेपी ला रही है और जिस तरह इसको इतने भव्य कार्यक्रम के तौर पर सामने रख रही है, ये आप मानते हैं क्या कि विपक्ष को एक बड़ा झटका लग सकता है? इसको बड़ा मुद्दा बीजेपी बना रही है और उनके हाथ में एक बड़ा मुद्दा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जुम करो जुम करो जुम करो। मैं आपकी डिबेट बहुत ध्यान से सुन रहा था। डिबेट से पहले आपने कुछ बाइट्स चलाई थी, कुछ सवालात थे, मैंने वो भी बड़े गौर से सुने। मोदी जी की गारंटी से शुरुआत कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मुझे इस 9 साल 9.5 साल की सरकार में एक गारंटी बताइए जो मोदी जी ने पूरी की। पेट्रोल कितने रुपए में बिका? 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी गई। 15 लाख रुपए सबको मिले। मेक इन इंडिया का शेयर कहां गया? बुलेट ट्रेन किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच चल रही है? मुझे हिंदुस्तान में एक शहर बताइए जिसको कोयटा बना दिया गया है। मुझे बताइए कहां पर सिलेंडर 400 रुपए में बिक रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैं जानना चाह रहा हूं, मुझे बताइए कि कोई अपराधी ऐसा जो विदेश चला गया धन लेकर वो वापस लाया गया? मैं जानना चाह रहा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक, कोई गारंटी नहीं है मोदी जी। गारंटी का मतलब ये हो गया कि अगर मोदी जी ने गारंटी ले ली तो इस बात की गारंटी है कि वो काम ही नहीं होगा। लवड़े ना भोजन, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। यह है गारंटी मोदी जी की। फिर जनता कैसे चुन रही है उनको? अगर वो गारंटी ना ले तो शायद काम हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब देश के बंटवारे की बात आई तो जिना की मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, कोई बंटवारा नहीं। ये गलत है, ये फैक्ट गलत है असीम वकार जी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर आपसे इतिहास पढ़ने, अगर सुनिए सुनिए तो अरे, अगर आपसे इतिहास पढ़ने लगा तो मेरा बंटाधार हो जाएगा साहब। इमोशनल डैमेज। शर्म करो। समझिए, आप हंसिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी हिस्ट्री अगर मैं पढ़ लूं, अगर आपसे हिस्ट्री का ज्ञान ले लूं तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। खाली मुसलमान नाम आ जाएगा। नहीं, एक मिनट, अगर असीम वकार मुसलमान है और एमआईएम में है तो देशद्रोही है, और मुख्तार अब्बास नकवी अगर बीजेपी में है तो सेकुलर है, देशभक्त हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी में है तो देशभक्त हैं, और असद वैसी देश के गद्दार हो जाएंगे। सर, दीपक चौरसिया की गारंटी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपसे, शहजाद पूनावाला की गारंटी नहीं है, लेकिन असीम वकार की गारंटी है कि हम देश के लिए मरने और मिटने पे तैयार हैं। लूट लिया जा भाई आपने।